नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। भिंड जिले के गोहद कस्बे में 12वीं के स्टूडेंट का अफेयर गुड़गांव में रहने वाली एक युवती से चल रहा था। छात्र को गर्लफ्रेंड से मिलने जाना था तो युवक ने खुद के अपहरण की झूठी कहानी रच डाली। इसके बाद मोबाइल पर एक एप्लीकेशन के माध्यम से वॉइस बदली और पिता को फोन लगाकर बोला कि तेरे बेटे का मैंने अपहरण कर लिया है, 2.5 लाख चुपचाप दे जाओ वरना मार दूंगा। जब यह मामला पुलिस को पता चला तो गोहद पुलिस ने दबिश दी और युवक को पकड़ा, जिसके बाद घटना की सारी सच्चाई सामने आ गई। ग्वालियर चंबल संभाग में यह संभवतः पहला मामला है जबकि किसी ने मोबाइल एप्लीकेशन से वॉइस बदल कर स्वयं के अपहरण की कहानी रची हो। दरअसल भिंड जिले के गोहद कस्बे में निवासी सुरेंद्र ने 6 नवंबर को गोहद थाने में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरा बेटा संदीप, जिसकी उम्र 18 वर्ष है, वह घर से बिना बताए ही कहीं चला गया है। पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामले में गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। 18 तारीख को छात्र का पिता सुरेंद्र फिर पुलिस के पास पहुंचा और बताया कि मेरे बेटे के मोबाइल से मेरे पास फ़ोन आया, फ़ोन करने वालों ने मेरे बेटे का अपहरण कर रखा है, वो 2.5 लाख रुपए की फिरौती मांग रहा है। यह सुनकर गोहद थाना पुलिस सक्रिय हुई। पुलिस ने तत्काल छात्र के फ़ोन नंबर को साइबर सेल की मदद से मोबाइल की लोकेशन खोजने को कहा। छात्र के मोबाइल की लोकेशन ग्वालियर की आ रही थी, जिसके बाद एक पार्टी ग्वालियर भेजी गई। सख्ती से जब पूछा तो सब कुछ बता दिया। साइबर सेल की मदद से दी जाने वाली लोकेशन के आधार पर छात्र को पुलिस ने मौके से मोबाइल के समेत धर दबोचा। पुलिस ने जब छात्र संदीप से पूछताछ की तो पहले वो इधर उधर की बातें कहकर घुमाता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो छात्र ने सब कुछ सच सच बता दिया। छात्र संदीप ने गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, पिता से पैसे ऐंठने के लिए पहले पूरा होमवर्क किया। छात्र ने स्वयं को अपहृत दर्शाने के लिए गायब हुआ। 6 नवंबर को घर से बिना बताए चला गया। 2 दिन गायब रहने के बाद 8 नवंबर को छात्र ने अपने पिता के मोबाइल पर फ़ोन मिलाया। हालांकि घर से निकलने से पहले छात्र ने अपने मोबाइल पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड की थी। इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को अलग अलग नंबर से कॉल करके वॉइस बदल कर चौंकाया था। जब वो पूरी तरह से संतुष्ट हो गया कि इस एप्लीकेशन से वॉइस बदल कर कॉल करने पर कोई पहचान नहीं सकता, तब जाकर उसने खुद के अपहरण और फिरौती की रकम मांगने के लिए पूरी स्क्रिप्ट लिखी। लेकिन पुलिस की एंट्री होते ही छात्र की प्रेम कथा अधूरी रह गई। 6 महीने से चल रहा था अफेयर। पुलिस ने जब छात्र से पूछताछ की तो उसने अपनी प्रेम कहानी सुनाई। छात्र ने बताया कि मई महीने में वो अपनी मौसी के घर मुरैना गया था, जहाँ मौसी की भांजी आई थी। यहाँ पर उसकी मुलाकात हुई थी, तब से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। मौसी की भांजी गुड़गांव में माता पिता के साथ रहती है। प्रेमिका को खुश रखने और उससे मुलाकात करने के लिए छात्र को पैसों की जरूरत थी, जिसलिए खुद के अपहरण की पटकथा लिख डाली। मेरे को अपनी जीएफ से मिलना था, इसलिए मेरे को जीएफ मतलब गर्लफ्रेंड, मेरे को पैसों की जरूरत थी तो मेरे को मिलना जाना था उससे, तो मेरे को, और मैंने इसलिए ये कदम उठाया कि वरना आपके लड़के को जान से खत्म कर दें, वरना 2.5 लाख रुपए मेरे को दे। लड़के से जब पूछताछ की गई तो उसमें निकल के ये आया कि लड़का अपनी मर्जी से यहाँ से गया था, और लड़के के द्वारा जो 8 तारीख को कॉल किया, वो 8 तारीख को जो उसके लड़के बाप पे जो कॉल आया था, वो स्वयं उसी के लड़के ने ही कॉल किया था। एक मैजिक कॉल ऐप है, उसके माध्यम से वॉइस चेंज करके, चूँकि लड़के ने जो बताया है कि उसका एक प्रेम संबंध है गुड़गांव में, उसकी गर्लफ्रेंड है, उससे मिलने जाना था, उसने अपने पिताजी से पैसे की मांग की थी। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक,
एंगेजमेंट रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।